वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इडियोमेटिक इंग्लिश, इसके बॉम्बास्टिक इंग्लिश लेसन 6 लेकर आ गए हैं। इस लेसन में मुख्य रूप से आप ग्रामर के डिफरेंट टर्म्स को यूजेस करना यूज में लाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। शॉप्स हैव बीन बिल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ईदर साइड का मतलब होता है सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो आपके दिमाग में आया कि बोथ मतलब भी दोनों होता है और इधर मतलब भी दोनों, यहाँ कैसे हो गया? तो इधर का मतलब हुआ कि दोनों में से कोई भी साइड आप देख लो, इस साइड या उस साइड, दोनों साइड क्या है? दुकानें हैं। शॉप्स हैव बीन बिल्ट, दुकानें बनाई गई है ऑन इधर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ। इधर विजय हैज स्टोलन माई बुक। और राहुल, इधर को एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है, इधर को आइदर भी पढ़ा जाता है और इधर भी पढ़ा जाता है। तो इधर विजय और सॉरी, इधर विजय हैज स्टोलन माय बुक और राहुल, या तो विजय ने मेरी किताब चुराई है या राहुल ने। इधर का प्रयोग जो दो चीज होता है, दोनों में से या का आना होता है, एक के पहले इधर लगा दीजिए, दूसरे के पहले और लगा दीजिए। जैसे आप देखिए, विजय और राहुल दो व्यक्ति है, दोनों में से चुनना था, इसलिए एक के पहले लगा दिया इधर और दूसरे की तरफ लगा दिया और। तो इधर विजय हैज स्टोलन माय बुक और राहुल, इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, इधर विजय और राहुल हैज स्टोलन माय बुक, या तो विजय ने या फिर राहुल ने मेरी किताब चुराई है। नाइदर ऑफ, या इसको भी नीदर ऑफ पढ़ते हैं, दोनों में से कोई नहीं। Neither of these accusations, accusations मतलब होता है आरोप, is true, दोनों में से कोई भी आरोप सत्य नहीं है। Neither of these accusations is true, दोनों में से कोई भी आरोप सत्य नहीं है। Either और neither दोनों singular को represent करता है। Neither Vijay has done his homework nor Rajni, ना तो विजय ने अपना homework किया है ना ही रजनी ने। अगेन मैं बताता हूँ, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीदर विजय नॉर रजनी हैज डन हिज होमवर्क। सो इस तरह से आप बना सकते हैं। नन का प्रयोग किया जाता है जब दो से अधिक के बीच कोई नहीं कहना होता है, तब दो के बीच कोई नहीं, नीदर या नाइदर, और दो से अधिक के बीच कोई नहीं कहना होता है तो नन ऑफ देम विल सक्सीड, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। None of them will succeed, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। Each member of the group was against me, ग्रुप के प्रत्येक सदस्य, each means होता है प्रत्येक, ग्रुप के प्रत्येक सदस्य मेरे विरुद्ध था, ग्रुप के समूह के प्रत्येक सदस्य मेरे विरुद्ध था। I have purchased some toys, मैंने कुछ खिलौने खरीदे हैं। I have purchased some toys, मैंने कुछ खिलौने खरीदे हैं। She doesn't have any sense of shame, उसके पास शर्म नाम की चीज नहीं है, या उसकी शर्म मर गई है। She doesn't have any sense of shame, उसके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ फ्रेज हो गया any sense of shame। There wasn't much water in the lake, लेक बोलते हैं झील को, झील में ज्यादा पानी नहीं था। My father has told me many stories, मेरे पिताजी मुझे बहुत सारी कहानियां बता चुके हैं। I have few friends, देखो few और a few, few का मतलब होता है नौ के बराबर, मुश्किल से कोई। तो I have few friends, मेरे पास नौ के बराबर दोस्त है, मेरे पास मुश्किल से कोई दोस्त है। लेकिन फ्यू के पहले आप ए लगा देते हैं तब वो आता है मीनिंग कुछ। आई हैव ए फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया मीनिंग, और सीधा फ्यू यूज करेंगे तो नेगेटिव मीनिंग हो गया। द फ्यू क्वाइंस आई हैड आई गेव टू अ बेगर, जो भी थोड़े सिक्के मेरे पास थे मैंने भिखारी को दे दिया। तो द फ्यू का मतलब हो गया खास, और उस पर जोर देने के लिए होता है। याद रखे द फ्यू
जब भी प्रयोग होगा उसके बाद कोई ना कोई क्लॉज आएगा, जैसे आई हैड, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ गया। तो द फ्यू क्वाइंस आई हैड, मेरे पास जो थोड़े क्वाइंस थे, आई गेव टू अ बेगर, मैंने एक भिखारी को दे दिया। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, जिस तरह से फ्यू का मतलब निगेटिव था और फ्यू का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, लिटिल का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और सेम मीनिंग देता है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके स्वस्थ होने का न के बराबर आशा है। फिर इस तरह से ए लिटिल, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। दिस ग्लास कंटेन्स अ लिटिल वाटर, इस ग्लास में कुछ पानी है। ही इन्वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन हिज बिजनेस, उसके पास जो भी थोड़े पैसे थे उसने व्यवसाय में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया। द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक इज वेरी टफ, इस किताब का अंतिम पन्ना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट लास्ट सब में द का प्रयोग करते हैं। द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक इज वेरी टफ, इस किताब के अंतिम पन्ना बहुत मुश्किल है। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द गीता, द गीता का आप जानते हैं गीता महाभारत, गीता का यह सबसे नया नया एडिशन है। द लेटेस्ट का मतलब होता है जो हाल ही में बना हुआ एडिशन हो, एडिशन मतलब संस्करण, यह गीता का सबसे नया नया संस्करण है। शी प्रोमिस्ड मी दैट शी वुड सी मी लेटर, सी वुड, इस तरह से सी हैड को भी लिखा जाता है और वुड को भी लिखा जाता है शॉर्ट में, तो सेंटेंस से आपको सेंस लगाना होगा कि वुड होगा या हैड होगा, तो यहाँ पे आगे भी वन है सी, इसलिए वुड होगा। सी प्रोमिस्ड मी दैट सी वुड सी मी लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, वह मुझसे वादा की कि वह बाद में मुझसे मिलेगी। आई प्रेफर योर लेटर प्रपोजल टू द फॉर्मर, लेटर मतलब होता है बाद वाला और फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, तो मैं आपके पहले वाले से ज्यादा बाद वाले प्रस्ताव को अच्छा मानता हूं। प्रेफर मतलब होता है अच्छा मानना और प्रेफर के साथ टू प्रपोजिशन लगता है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, यह भवन उस भवन से पुराना है। देखो इल्डर के साथ टू लगता है और ओल्डर के साथ दैन लगता है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, यह भवन उस भवन से ज्यादा पुराना है। राहुल इज इल्डर टू हिज ब्रदर, राहुल अपने भाई से बड़ा है। राहुल इज इल्डर टू हिज ब्रदर, राहुल अपने भाई से बड़ा है। बॉम्बे इज फार्दर देन यूपी फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे दूर है यूपी की तुलना में। फार से बना हुआ है, फार्दर मतलब ज्यादा दूर, तो अगर दिल्ली से आप चलेंगे तो यूपी की तुलना में दिल्ली बॉम्बे ज्यादा दूर है। व्हाट्स योर फर्दर प्लान, आपका आगे का प्लान क्या है? ऊपर देखो फार्दर, फार्दर दूरी का संबंध बताता है जबकि फर्दर आगे। व्हाट्स योर फर्दर प्लान, आपका आगे का योजना क्या है? प्लीज टेल मी द नियरेस्ट वे टू द पोस्ट ऑफिस, कृपया आप हमें नजदीकी पोस्ट ऑफिस का रास्ता बताएं। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीकी। प्लीज टेल मी द नियरेस्ट वे टू द पोस्ट ऑफिस, कृपया मुझे पोस्ट ऑफिस का सबसे नजदीकी का रास्ता बता दें। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका घर मेरे घर के जस्ट बगल में है, सटे आगे है। विजय वॉज द फर्स्ट टू अराइव, विजय आने वालों में सबसे प्रथम था, पहला व्यक्ति था। शी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया ऑफ हर टाइम, देखो फर्स्ट मतलब होता है प्रथम और फॉरमोस्ट मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, तो शी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया ऑफ हर टाइम, वह अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण नेत्री थी। आई हैव पोर्ड द होल ऑफ इंडिया, पोर मतलब वैसे होता है उड़ेलना और द होल ऑफ का मतलब होता है समूचा पूरा, हमने पूरा इंडिया छान मारा है, यहां पे मीनिंग क्या हो जाएगा,
पोर्ट का छान मारा है, मतलब घूम लिया है, देख लिया है, सर्च कर लिया है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लेफ्ट मी, मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लेफ्ट मी, मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आम बोलचाल में कुछ प्रयोग किए जाने वाले टर्म्स। एक्सेप्टिंग हेल्प, अगर कोई आपको मदद दे रहा है तो आप उस मदद को लेने के लिए किस तरह के टर्म्स यूज करेंगे। इट्स सो काइंड ऑफ यू, आपने किसी ने आपकी मदद करी तो आप कहते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू, मतलब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू फॉर द हेल्प, आपने मदद की इसके लिए धन्यवाद। यस प्लीज, इट वुड बी रियली नाइस ऑफ यू, सर हाँ ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू फॉर ऑफरिंग हेल्प, आपने मदद की पेशकश की इसके लिए धन्यवाद। अगर कोई मदद आपको देना चाह रहा है, आप उसको नहीं लेना चाह रहे, इनकार करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। नो थैंक यू, आई कैन डू इट माई सेल्फ, नहीं धन्यवाद मैं इसे खुद कर लूंगा, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई कैन डू इट अलोन, आपने पूछा हमसे मदद के लिए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद कर लूंगा, मैं अकेले कर लूंगा, मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। आई विल आस्क यू इफ आई नीड सम हेल्प, मैं आपसे मांग लूंगा अगर मुझे किस तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो। थैंक्स, आई विल लेट यू नो इफ आई नीड हेल्प, धन्यवाद मैं आपको बताऊंगा जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज एंड गिव इट टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।